का दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया के मैच में जो धोनी ने ग्लव्स डाले थे जिसपे बलिदान का इंसिग्निया बना हुआ था वो बहुत ही ज्यादा विवादों में आ गया है। तो इन सब के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, घंटी का आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको भी मिस ना कर पाए। 5 जून 2019 को इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बड़ी आसानी से हरा दिया था। अगर इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के मैच से ज्यादा धोनी और धोनी के ग्लव्स ज्यादा चर्चा में है। धोनी के ग्लव्स पर बलिदान का इंसिग्निया बना हुआ देखकर आईसीसी इससे बहुत ही ज्यादा नाखुश है और उन्होंने बीसीसीआई को धोनी को अपने ग्लव्स से ये इंसिग्निया हटाने के लिए कह दिया है। इसका जवाब बीसीसीआई ने दिया और बीसीसीआई ने कहा यह गलत नहीं है और बीसीसीआई के साथ साथ सारे हिंदुस्तानी भी धोनी के साथ हैं। सबके कारण बीसीसीआई के मैनेजर भी अब लंदन जा रहे हैं। आईसीसी के इस कड़े फैसले के खिलाफ कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी धोनी का साथ दिया। वीरेंद्र सहवाग ने कहा एक महान खिलाड़ी है और वो सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और वो अपनी सेना को सम्मान दिलाना चाहते हैं और इसमें कोई भी गलत नहीं है और आईसीसी यहाँ पर उनके दस्ताने उतारने में लगा हुआ है। इंद्र सिंह धोनी के साथ साथ मैं भी अपनी सेना का सम्मान करता हूँ और वह सिर्फ एक दस्ताने नहीं वो हमारी सेना का सम्मान है जो महेंद्र सिंह धोनी हमेशा अपने साथ रखते हैं। वहीं पर सौरव गांगुली ने कहा है कि पाकिस्तान की सोच बहुत ही ज्यादा छोटी है तभी उन्होंने आईसीसी पर इन सब के बारे में दबाव बनाया है। आईसीसी ने भी ये बहुत ही ज्यादा घटिया निर्णय किया है। आईसीसी के रूल्स में ये कहा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल रिलीजियस और नक्सलवादी चीजें ग्राउंड पर नहीं डाली जा सकती। ना कहीं ये इंसिग्निया ना ही कोई पॉलिटिकल ना ही कोई रिलीजियस और ना ही कोई नक्सलवादी से जुड़ा हुआ है। 2011 के वर्ल्ड कप मैचेस में जब पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल था उसके वार्म अप मैच में पाकिस्तान के सभी प्लेयर्स ने बीच मैदान पर ही रमजान पढ़ना शुरू कर दिया था। उस पर किसी ने भी विवाद नहीं उठाया था ना कि वो आईसीसी के नियम के खिलाफ है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मंत्री ने यह भी कह दिया है कि भारतीय युद्ध चाहते हैं जो उनकी बहुत ही ज्यादा घटिया सोच दिखाते हैं। सेना का इंसिग्निया और उनको सम्मान देने से कहां से युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि आईसीसी महेंद्र सिंह धोनी के लोगों पर इतना विवाद उठा रही है कि वो अपने अंपायर से सही निर्णय कराने में असमर्थ है। चेंडीज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैच में मिचेल स्टार्क के ओवर में अंपायर ने 3.5 गेंद पर क्रिस गेल को आउट दिया जिसके कारण क्रिस गेल ने रिव्यू लिया और गलत ठहराए गए। से ही अगली गेंद पर क्रिस गेल फिर से अंपायर के द्वारा आउट ठहराए गए। क्रिस गेल ने इसको देखते हुए फिर से रिव्यू लिया और क्रिस गेल सही थे और अंपायर यहां पर फिर एक बार गलत ठहराए गए। मिचेल स्टार्क के छठे ही ओवर में क्रिस गेल एक बार फिर से LPW करार दिए गए। उन्होंने फिर एक बार रिव्यू लिया और इस बार क्रिस गेल आउट ही थे। इससे पिछली बॉल नो बॉल थी जिसके कारण जिस पर क्रिस गेल आउट हुए थे वो बॉल फ्री हिट होनी चाहिए थी। इससे साफ यही दिख रहा है कि अंपायर सिर्फ अंपायरिंग इसलिए कर रहे थे ताकि वेस्ट इंडीज वो मैच हार सके। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। वीडियो अच्छी लगती वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब और घंटी का आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जान सके और धोनी वो ग्लव्स फिर से डाल सके। आपकी क्या राय इन सब के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना और आपकी क्या राय है पाकिस्तान की सोच के बारे में मुझे वो भी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।